आपको आइसक्रीम किस में पसंद है, कप में, कोन में या चोकोबार में? तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बफेलो मिल्क, उसमें डालेंगे थोड़ी शक्कर और इसे लो फ्लेम पे ही पकाए, हाई फ्लेम पे ना पकाए, बस इसे मिक्स कर ले। ध्यान रखिए इसे ना गाढ़ा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए, बस ये कंसिस्टेंसी इसकी एकदम राइट है। तो इसे इतना ही पकाए और फ्लेम को ऑफ कर दे और इसे एक घंटे के लिए साइड में रखे ताकि ये ठीक से ठंडा हो जाए। दूसरे बाउल में हम लेंगे व्हिप क्रीम। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए कि हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसे क्रीमी टेक्सचर आने तक ही व्हिप करना है, ना कि केक के आइसिंग की तरह। आप देख सकते हो इसका जो पॉइंट आया है ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो बस इसकी कंसिस्टेंसी एकदम राइट है। अब इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस और इसमें डालेंगे ठंडा किया हुआ दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम एयरटाइट कंटेनर में ही रखेंगे और कुछ बर्तन मत यूज़ करना। इसे एयरटाइट करने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा प्लास्टिक लगा लेंगे, उससे आप टाइट कर लेंगे बर्तन को, या फिर आप एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हो और फिर इसके ढक्कन से हम इसे टाइट कर लेंगे और बस इसे 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 12 घंटे के बाद आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है ना, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली आइसक्रीम की तरह। आप जब इसका स्कूप लेंगे ना, इसकी बॉल इतनी परफेक्ट बन जाती है, आपको लगेगा नहीं कि ये घर में बनी हुई आइसक्रीम है ना, बिल्कुल परफेक्ट बॉल। तो बस आप अपने मन चाहे कप में इसे सर्व कर सकते हो, जितने चाहे उतने स्कूप ले सकते हो। आप इसके ऊपर टॉपिंग्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे चॉकलेट सिरप ऐड कर सकते हो, स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हो, शेप किए हुए चॉकलेट्स ऐड कर सकते हो, कुछ भी चलेगा। बट जो चॉकलेट टेस्ट देता है ना वेनिला के साथ, वो बहुत ही यमी लगता है। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट्स डाले हैं, चॉकलेट के कुछ शेप किए हुए टुकड़े और बस आपका कप रेडी है। अब हम चलते हैं कोन की तरफ। जो मार्केट में कोन मिलता है ना, वो चॉकलेट से फील किया होता है, तो यहाँ पे मैंने लिया है मेल्ट किया हुआ मिल्क चॉकलेट और थोड़े रोस्ट किए हुए हेजलनट के क्रश। तो बस हम इस क्रश किए हुए हेजलनट को हम मिक्स कर देंगे और हमारे कोन को इससे फील कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट बच जाएगी ना कोन में, हम उसे निकाल लेंगे। और प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने इसके बाहर के वॉल को भी मैंने मेल्ट किया हुआ चॉकलेट लगा लिया है और इसके ऊपर हम थोड़े क्रश किए हुए हेजलनट भी लगा लेंगे। आप इसे फ्रीज़र में ना रखें क्योंकि ये मॉइस्चर पकड़ लेगा और आपके कोन का क्रंचीनेस निकल जाएगा। आप इसे बाहर ही रखें, 5-10 मिनट में ये चॉकलेट हार्ड हो जाएगा और आपका कोन तैयार है सर्व करने के लिए। तो बस आप इसमें आपके मन चाहे और जितने स्कूप आप ऐड करना चाहते हो उतने स्कूप ऐड कर सकते हो और टॉपिंग के लिए आप मेल्ट किया हुआ चॉकलेट डाल सकते हो, चॉकलेट सिरप डाल सकते हो, स्प्रिंकल्स डाल सकते हो या क्रश किए हुए नट्स डाल सकते हो, कुछ भी अच्छा लगेगा। और आपका कोन तैयार है, आप इसे एंजॉय कर सकते हो। अब चलते हैं चोकोबार की तरफ। यहाँ पे मैंने केक्सिकल्स का मोल्ड लिया है और पहले मैं यहाँ पे मेल्ट किया हुआ चॉकलेट अप्लाई करूँगी ताकि जब मेरी आइसक्रीम फ्रीज हो जाए तो ये अच्छे शेप के साथ बाहर आए। तो बस ये मेरा मिल्क और चॉकलेट हार्ड हो गया है फ्रिज में रखने के बाद और इसमें मैं डाल रही हूँ मेल्ट किया हुआ आइसक्रीम। इसे अच्छे से फील कर दे
इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इसका ध्यान रखिए। अब ये हम इसमें आइसक्रीम स्टिक्स डालते हैं। ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है और बहुत सस्ती होती है। आप इसे कुछ डेकोरेशंस के लिए भी ये यूज़ हो जाती है, तो ये वेस्ट नहीं जाएगी। फ्रीज़र में जाने से पहले इसे टैप ज़रूर कीजिए, ताकि इसमें जो एयर बबल्स रहेंगे ना वो निकल जाएंगे। और इस चोकोबार को आपको एटलीस्ट 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। 6 घंटे के बाद ही आप इसे फ्रीज़र से निकालें। और आपका चोकोबार तैयार है। अब यहाँ पे मैंने लिया है मेल्ट किया हुआ चॉकलेट। ध्यान रखिए, ये मेल्ट किया हुआ चॉकलेट हमें गरम नहीं रखना है, इसे ठंडा ही रखना है, ताकि हम जब चोकोबार को इसे डीप करें तब ये इसमें टूटे ना, इसलिए इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे डीप करते हैं और अच्छे से कोट कर लेते हैं चॉकलेट से। इसे फ्रीज़र में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बस 5-10 मिनट में ये चॉकलेट हार्ड हो जाएगा आपका। और आप अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो इसे थर्मोकोल के किसी टुकड़े में स्टिक करके ही रखें, ताकि अगर आप प्लेट में रखेंगे तो ये मेल्टेड चॉकलेट की डिज़ाइन थोड़ी ख़राब हो जाएगी चोकोबार की। और बस आपका चोकोबार तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक एंजॉय।